नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि पहले ही अगर प्रिवेंशन कर लिया जाए तो किसी भी आपदा से हम बच सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। और अगर हम अपने शरीर के संदर्भ में ये बात कहें तो हम अगर अपनी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना लें, इतना पावरफुल बना लें कि कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट ही ना कर पाए, और अगर प्रविष्ट कर भी गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको लड़ करके उसको हरा दे। दोस्तों, ये तभी संभव हो सकता है जब हम कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करें या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। दोस्तों, लेकिन आज मैं एक ऐसे होम्योपैथिक सीरम की बात करूंगा जिसके नियमित सेवन से हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं दोस्तों। और उस सीरम का नाम है एस्टर कूलिया सीरम। दोस्तों, एस्टर कूलिया सीरम इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा हर्ब मिला हुआ है जिसे हम एस्टरकुलिया के नाम से जानते हैं, यानी कि एस्टरकुलिया हर्ब इसके अंदर मिला हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ अन्य औषधियां भी मिली हुई हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसी विशेष हर्ब की वजह से इस सिरप का नाम एस्टरकुलिया सिरप पड़ा। एमडी होम्यो लैब का ये सिरप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी औषधियां हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट औषधि जो इसमें मिली हुई है वो है एस्टर कूलिया। दोस्तों, एस्टर कूलिया हर्ब के अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो जब अमेरिकन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में जब वॉर होते थे, युद्ध होते थे, तो वहां के सैनिकों को एस्टर कूलिया हर्ब अपने पास रखना मैंडेटरी था, जरूरी था। और उसका कारण यह था कि युद्ध स्थिति में भोजन प्रॉपरली नहीं मिल पाता और वैसी अवस्था में सैनिक अच्छी तरीके से लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो। ऐसी अवस्था में अगर एस्टर कूलिया हर्ब का वो प्रयोग करते थे तो बिना खाए पिए कई दिनों तक सिर्फ एस्टर कूलिया के बीज का इस्तेमाल करके वो पूरी तेजी के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ युद्ध में लड़ सकते थे और लड़ते भी थे। दोस्तों, उसका रीजन ये था कि एस्टर कूलिया का जो बीज होता है, जो हर्ब होता है, वो इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी देता है कि बिना खाए पिए कई दिनों तक कार्य किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, जो दूसरा इसकी विशेषता अगर हम बताएं तो ये एक बहुत अच्छा एपेटाइजर है। अगर खाने के पहले नियमित इसके बीज को चबाया जाए तो भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और खाने की इच्छा तीव्र होने लगती है। दोस्तों, यानी कि ये भूख को भी बढ़ाता है, एक बहुत अच्छा एपेटाइजर भी है। जो तीसरा इसका सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है, हमारे पाचन को, एब्जॉर्प्शन को, एसिमिलेशन ऑफ द फूड को ये प्रॉपर करता है। जब हमारा भोजन अच्छी तरीके से पचेगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, तभी न्यूट्रिशन हमारे ब्लड के अंदर आएगा, पोषक पदार्थ हमारे ब्लड के अंदर आएंगे और फलस्वरूप ये हमारे कोशिकाओं तक उचित मात्रा में पहुंचेंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करके ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, उसको बूस्ट करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति नशा करने का आदि है, अगर वो नशा ज्यादा करता है, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करता है, तो इस औषधि के प्रयोग से उस नशे के प्रति उस व्यक्ति में अरुचि पैदा हो जाएगी, यानी कि ये नशे को छुड़ाने में भी काफी उपयोगी औषधि है। अगर एस्टर कूलिया हर्ब का नियमित प्रयोग किया जाए तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती है, जो हमारी नर्व्स हैं वो भी मजबूत होती हैं, जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती है। यानी कि ये मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये हमारे हृदय को भी मजबूत बनाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ऐसा कोई अंग शरीर के अंदर नहीं है जिसमें ये काम न करता हो, यानी कि ये हमारे सभी अंगों को स्ट्रेंथफुल बनाता है और उनकी एक्टिविटी को इनहेंस करता है, पावरफुल करता है। दोस्तों, जो इसमें दूसरी औषधि मिली है वो है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक प्रसिद्ध औषधि है जो न सिर्फ हमारी भूख को बढ़ाती है, इसके साथ साथ वो हमारे नर्व को भी मजबूत करती है और हमारे पूरे सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। भूख बढ़ने की वजह से, डाइजेशन प्रॉपर होने की वजह से, जो एसिमिलेशन ऑफ द फूड है वो बेहतर हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। कई बार खाना नहीं खाने की वजह से, भूख कम लगने की वजह से भी
हमको पोषक तत्व नहीं मिलते, और पोषक तत्व जब नहीं मिलेंगे तो सारी सेल्स जो हैं वो डिफिशियंट हो जाएंगी अपने कार्यकलाप में, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी दोस्तों। और ऐसी अवस्था में ये भोजन को जो हमारी रुचि है उसको बढ़ा करके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरी दवा इसमें मिली है वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ देने वाली दवा है, ये मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है, और इसके साथ साथ भूख को भी बढ़ाती है, और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करती है दोस्तों। जब हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जब हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है, जब हमको भूख प्रॉपर लगती है, तो हमारे सारे सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। इसके बाद जो इसमें अगली दवा मिली हुई है दोस्तों वो है चाइना। दोस्तों चाइना एक ऐसी दवा है जो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती है। अगर हम चाइना में अपनी किताबों में देखें तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि चाइना में जो व्यक्ति होता है बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, और अगर चाइना का प्रयोग किया जाए तो जो कमजोरी है, जो एग्जॉस्टनेस है, वो पूरी तरीके से दूर की जा सकती है। चाइना एक ऐसी औषधि है जिसके नियमित प्रयोग से शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा एवं स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है थकता जल्दी नहीं है। दोस्तों चाइना न सिर्फ स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जबकि अगर किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी हो गई है तो ये उसको भी पूरा करती है। इसके साथ साथ चाइना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से सुदृढ़ बनाती है, जिसकी वजह से पाचन सही हो जाता है, एसिमिलेशन ऑफ द फूड सही हो जाता है, और जब पाचन सही होगा तभी हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करेगी। यानी कि चाइना कमजोरी को भी दूर करता है, पाचन को भी दुरुस्त करता है दोस्तों, और खून की कमी को भी दूर करता है। इसके अलावा जो इसमें अगली दवा है वो है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा अपने आप में एक कंप्लीट औषधि है। इस औषधि के अंदर प्रचुर मात्रा में जो मिनरल्स हैं, प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, इसके साथ साथ पेंटोथेनिक एसिड, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, कॉपर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें बीटा ग्लूकोन नाम का एक पदार्थ भी पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है। दोस्तों इतनी सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू होने की वजह से एविना सटाइवा अपने आप में एक कंप्लीट औषधि है। हमारे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत जरूरी औषधि है। ये हमारे एपेटाइट को भी इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर करता है। दोस्तों इसके बाद जो अगली औषधि इसमें मिली है वो है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस एक अनट्रेडिशनल मेडिसिन है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, क्योंकि एस्पेरेगस हमारे जो एस्क्रिटरी सिस्टम है यानी कि किडनी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल बनाता है, उसको मजबूत करता है। क्योंकि अगर किडनी मजबूत रहेगी तो जो एक्सक्रीशन है वो बेहतर होगा, जितने भी टॉक्सिन हैं वो प्रॉपर मात्रा में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी मात्रा को ये नियंत्रित कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रित होंगे तो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगा, और जब सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा तो सारे कार्यकलाप, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या इम्यून सिस्टम हो, सारे सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं दोस्तों। तो इसमें आपने देखा कि इतनी सारी औषधियां मिली हुई है, और एक खास बात आपने लगभग सभी औषधियों में देखी कि ये मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को तो बढ़ा ही रहे हैं, एपेटाइट को तो इम्प्रूव ही कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर कर रहे हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम जब प्रॉपर होता है तभी हमारी इम्यूनिटी इन्हेंस कर सकती है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा, पाचन पुअर हो जाएगा, तो कोई भी पोषक पदार्थ हमारे कोशिकाओं तक प्रॉपर मात्रा में पहुंच ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस सिरप का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर भूख भी बढ़ेगी और सारे सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेंगे, और हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रेंथफुल हो जाएगी कि किसी भी रोग से आसानी से लड़ सके, किसी भी इंफेक्शन को हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं करने देगी, और अगर प्रविष्ट भी कर पाया तो उसको आसानी से हरा देगी दोस्तों। दोस्तों इस सिरप का नियमित इस्तेमाल करने से निश्चित तौर पर आपकी इम्यून सिस्टम में एक इन्हेंसमेंट आती है, एक बूस्टिंग आती है, एक मजबूती आती है दोस्तों।
कभी भी अगर आप ऐसी किसी औषधि की खोज में हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, तो एमडी होम्यो लैब के इस सिरप का प्रयोग आप निश्चित तौर पर करें और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर के या किसी होम्योहॉल के पास जाकर के इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें, मैं उस बीमारी के बारे में भी बताऊंगा और उसका होम्योपैथिक अप्रोच भी आपको समझाऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद।